पार्टी हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुए हैं एक बार फिर स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग पे, जो कि हमारे राशि सर बहुत ही अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हमारे हिंदुस्तान के फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। तो अभी जो ट्रेनिंग्स आए हुए हैं उनसे पूछते हैं राशि सर, और कुछ ट्रेनिंग्स के क्वेश्चन रह गए जो राशि सर से पूछेंगे। तो सबसे पहले राशि सर, भूसे के बारे में पूछें। ये दलहनी भूसा है, जब भी आप बकरियों को खिलाएं तो दलहनी भूसा खिलाएं, जिसमें कि ग्वार का भूसा होता है, अरहर का भूसा होता है, चने का भूसा होता है, मसूर का भूसा होता है। जो भी आपके पास में उपलब्ध हो जाए वो आपको दलहनी भूसा खिलाना होगा, जिससे कि बकरियों को जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसे ये पत्ती है, पत्ती में कौन कौन सी पत्तियाँ खिला सकते हैं? पत्ती में जो है आप बहुत तरह की पत्तियाँ आप खिला सकते हैं, जैसे कि गूलर है, पीपल है, नीम है, अड़ू है, खेजड़ी है, इसको हरी पत्ती के नाम से जाना जाता है, देसी बबूल है, शहतूत है, बड़ है, और भी इसके अलावा बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जो आप खिला सकते हैं। सभी जगह पर कुछ ना कुछ हरा चारा उपलब्ध होता ही है। हरा चारा एक ऐसा बकरी के लिए जो है बहुत पौष्टिक आहार है, जो हरा चारा अगर बकरी नहीं खाती है तो उसको कुछ समस्याएँ भी आती हैं। तो हरा चारा बकरी के लिए मेन है, हरा चारे पे आप खास ख्याल रखें बकरी का। इसमें आप सुबह में आप खिलाइए और शाम में खिलाइए। अगर जंगल चरने वाली बकरी है, आप पूरे दिन सुबह में आप थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिलाकर अपने शेड से निकालें, जिससे कि बकरी जो है जंगल जाते समय पोखर का पानी, गंदा पानी वो ना पिए। और जब आप पानी पिला के बाहर निकालते हैं तो उसका पानी जो है वो पहले से पी ही होती है, तो सीधी जाकर हरा चारा खाती है, जो कि आप जंगल में चाहे अपने खेतों में हो या जंगल में हो वो हरा चारा खाती है। आप ऐसी जगह पे बकरियों को चराएं जहां पर गंदगी कम हो, कम से मतलब गंदगी हो ही ना, या बहुत हल्की फुल्की ऐसी गंदगी ना हो कि जिससे बकरियों में कोई बीमारी आप उत्पन्न हो। सर ऐसे स्वस्थ अगर हम बकरी फार्म डालते हैं तो ऐसे स्वस्थ और 10,000 बच्चे कहाँ से और कैसे खरीदें? देखिए, अगर ऐसे जो है आप फार्म तो शुरू करिए, हमने आपको बहुत कुछ सिखाया है ट्रेनिंग में, कैसे जानवर आपको खरीदने हैं, कौन सी नस्ल से आपको बकरी पालन शुरू करना है, कितने जानवरों से शुरू करना है, ये सब हमने आपको सिखाया। सबसे पहले आप जो है बाजार में आप घूमिए, या कहीं कोई फार्म आपको मिलता है तो वहाँ से आप अपने जानवरों को वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैक्सीनेटेड जानवर अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ से आप वैक्सीनेटेड और उच्च क्वालिटी के जानवर आप ख़रीद सकते हैं। पैसा थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन आपको क्वालिटी वाले जानवर पहले दिन से अगर आप लेकर आते हैं तो उसमें जो है आपका पहले दिन से ही सिस्टमेटिक फार्म शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि ऐसे स्वस्थ जानवरों को तैयार करने के लिए सही समय पर ब्रीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। सही समय कौन सा होता है, जो आपको बता दिया गया कि आप अप्रैल में बच्चे ले सकते हैं, मई और मार्च में बच्चे ले सकते हैं, और अक्टूबर में ले सकते हैं बच्चे, और नवंबर में ले सकते हैं बच्चे। तो ये आपके ऐसे समय में अगर बच्चे आते हैं तो बच्चे ज़ाहिर है कि वो पहले से जो है ना स्वस्थ रहेंगे और मौसम का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जाड़ा शुरू होने से पहले बच्चे स्वस्थ वो जाड़ा झेलने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, और बरसात से पहले भी वो 2-3 महीने के तैयार हो जाते हैं, तो उनमें वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बरसात को वो झेल सकें। फिर डिवर्मिंग वगैरह है, वैक्सीनेशन है, ये इन सब बातों का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता, वो हमने सब सिखाया हुआ है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, बढ़िया बर्बरी की पहचान क्या है? देखिए, बढ़िया बर्बरी की जो पहचान है, इसकी वाइट के ऊपर जो है ये ब्राउन स्पॉट होते हैं, ये स्पॉट होते हैं, जैसे कि ये स्पॉट है, ये आप देख रहे हैं, इनके ये रॉकेट ईयर होते हैं, ये वाले इनके पीछे बाल नहीं होते, ये पीछे रान के ऊपर बाल नहीं होते इनके, और इनका जो है मुंह छोटा होता है, ये कदकाठी में छोटे होते हैं और नस्ल के मुकाबले, और ये बिल्कुल गोल मटोल होते हैं। शुक्रिया आपका। हम सर बच्चे भी चाहते हैं,
देखिए आप, हमने आपको सिखाया कि बच्चे लेने से कोई फायदा नहीं है, बड़े जानवर आप लें। बड़े जानवर से 10 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का करीब करीब आप जानवर लें, क्योंकि फीमेल होती है। और रहा सवाल ये कि अभी हमारे पास से, हमारे पास में एक लिमिटेड स्टॉक रहता है, जो हमारे ट्रेनीज आते हैं हम उन्हीं को ही देते हैं। जब हमारे पास में जो बच्चे आ जाते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि अब हमारे ट्रेनीज को कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, उसी के हिसाब से हम 10 जानवर 15 जानवर जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट रहती है हम उसी के हिसाब से उनको पूरा। ठीक सर,